जानते हैं कि पेन के ढक्कन में एक छोटा छेद क्यों होता है? टूथपिक की नोक पर खांचे क्यों होते हैं? किन्हीं दवाइयों में लाइंस होती हैं, किन्हीं में नहीं? ऐसा क्यों? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि इस वस्तु का आकार ऐसा क्यों है, इस वस्तु की बनावट ऐसी क्यों है। तो जिस विषय में आज हम सबसे पहला चर्चा करेंगे वो विषय यह है कि पेन के ढक्कन में एक छोटा सा छेद क्यों होता है। बचपन में तो हम सभी ने पेन के ढक्कन से सीटी जरूर बजाई होगी, लेकिन बॉल पेन के ढक्कन में छेद होने के पीछे की असली वजह बहुत कम लोगों को ही पता है। आइए जानते हैं कि पेन के ढक्कन के पीछे एक छोटा छेद क्यों होता है। अक्सर बच्चे हो या बड़े, जब काम करते हैं या लिखते समय पेन के ढक्कन को मुंह में डाल लेते हैं और कभी कभी उसे गलती से निकल भी लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ढक्कन अंदर जाकर सांस की नली में फंस जाता है तो क्या होता है, बताइए। पेन के ढक्कन में अच्छी चीज यह है कि ढक्कन में छेद होने पर उससे सांस का प्रवाह होता रहता है और सांस रुक नहीं पाती है। अगर यह छेद ना हो तो ढक्कन के गले में फंसने से किसी की भी मौत हो सकती है। इस वजह से पेन कंपनियां बॉल पेन के ढक्कन में छेद कर देती है ताकि ये गले में फंसने के बाद सांस का प्रवाह ना रोक सके। दवाइयों का प्रयोग हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तकरीबन हर रोज करते हैं। हमें हल्का सा बुखार या सरदर्द होने की देर है, उसी वक्त क्रोसिन या पैरासिटामोल ले लेते हैं। दवाइयां तो आपने बहुत खाई होंगी, किंतु क्या आपने कभी गौर किया, क्या आपने कभी सोचा कि कुछ दवाइयों में एक लाइन होती है अथवा कुछ में नहीं? ऐसा क्यों, जरा सोचिए। चलिए आज हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों। दरअसल जिन दवाइयों पर लकीर होती है, जिन दवाइयों पर लाइन होती है, उसका मतलब यह होता है कि हम उस दवाई को दो हिस्सों में तोड़कर खा सकते हैं। किंतु जिन दवाइयों पे लकीर नहीं होती, उन दवाइयों को तोड़कर खाना हानिकारक होता है। वह दवाई जिन दवाई पर लकीर नहीं होती, वह दवाई यह दर्शाती है कि हम इस दवाई को तोड़कर नहीं खा सकते। अगर हम उस दवा को तोड़कर खाते हैं तो वह हमारे शरीर अथवा हमारे पेट के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ऐसी दवाइयों पर एक स्पेशल कोटिंग भी होती है जो हमारे शरीर में जाकर हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि दवाइयों पर लकीर क्यों होती है, क्यों नहीं, आप इसका जवाब आसानी से दे सकते। आपने अपने घरों के आसपास चींटियों को देखा ही होगा और आपने यह भी देखा होगा कि चींटियां हमेशा लाइन यानी कतार में ही चलती है। पर क्या आपने ऐसा कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। चींटियों की सूंघने की शक्ति बहुत प्रबल होती है। जब चींटियां खाने की खोज में निकलती है तो सबसे आगे चलने वाली चींटी चलते समय फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती है, जिससे उनके पीछे चलने वाली चींटियां उसी रसायन को सूंघकर आगे बढ़ती है और उनकी एक कतार या लाइन बन जाती है। यही कारण है कि हमें चींटियां हमेशा लाइन में चलती हुई दिखाई देती है। लजीज खाना देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है, लेकिन वही खाना खाने के बाद में जब कुछ कतरने दांतों में फंसी रह जाती है तो उन्हें निकालने की मशक्कत सारे स्वाद को किरकिरा कर देती है। शुक्र है दुनिया में टूथपिक जैसी चीज भी है जिसके इस्तेमाल से यह परेशानी कुछ देर में ही हल हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टूथपिक के नोक पर खांचे क्यों होते हैं? टूथपिक का आकार ऐसा क्यों होता है? टूथपिक के एंड में दो होल क्यों होते हैं? सबसे पहला कारण यह है कि इसे अंत से तोड़ना आसान बन जाता है, जो यह संकेत देता है कि यह टूथपिक इस्तेमाल किया जा चुका है। ये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आकस्मिक या अनजाने में पुनः उपयोग से रोकता है, जो कि परंतु प्रश्न यह उठता है कि टूथपिक को तोड़ना ही क्यों? टूटे हुए हिस्से को हम रिज कहते हैं।
रिच के साथ टूटने के बाद एक रिच पर टूथपिक के नुकीले सिरे को आराम दे सकता है और अपने भोजन के दौरान टूथपिक का उपयोग कर सकता है। इस तरह कोई भी टूथपिक के अलावा किसी भी संपर्क से टिप को दूर रख सकता है और पवित्रता सुनिश्चित कर सकता है।